जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरी कोयला कढ़ाई बन रही है, कराची कोयला कढ़ाई। अब तैयारी के मराहिल पे है, टेंडर हो चुका है। मैंने बस प्याज ली थी, मैं 1.5 प्याज लेती हूँ ताकि मसाला अच्छा बनता है, क्योंकि कढ़ाई में फिर बिल्कुल सूखा सूखा होता है तो घर वाले ज़रा प्रॉब्लम करते हैं, ज़रा मसाला होता है तो मज़े का लगता है। मैं इसमें 1.5 प्याज ली थी, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन करके, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, उसमें चिकन डाल दी थी। चिकन के बाद मैंने जो मसाले ऐड किए थे, नमक डाला इसके अंदर और पिसी मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है। इसके अलावा मैं मसाला खुद जो बनाती हूँ घर में, वो है धनिया, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत मिर्च और काली मिर्च, इन तीनों को पीस लेती हूँ मैं और इसमें मैंने डाल दिया था। ठीक है, मेरे लाइट चली गई थी तो मैं बना नहीं सकी, मेरा नेट नहीं चल रहा था ना मेरा मोबाइल, तो इसलिए ये अब मैं बना रही हूँ। ये देखें, ये सब मैंने बस चढ़ा दिया था और आधा किलो के मतलब तकरीबन छः अदर टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना के उसको काट लिया था, चॉप करके डाला इसके अंदर, और हरी मिर्चें अभी मैंने एंड में डाली है जब मेरी ये टेंडर हो गई है। चिकन बिल्कुल सही तैयार हो गई है और मैंने 1 कप पानी सिर्फ डाला था। देखिए इसमें सब कुछ तैयार हो चुकी है मेरी कढ़ाई, और मैं ऊपर से हरा धनिया डाल दूँगी इसके अंदर, और आप चाहें तो इसके अंदर जो है बाज लोग कसूरी मेथी डालते हैं, मैं हरा धनिया डालती हूँ। कोयला मैंने रखा हुआ है आँच पे, कोयला डाल के मैं इसका स्मोकी फ्लेवर के लिए इसमें वो दम दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होती है, अपने मसालों से ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दिएगा, क्योंकि आज ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि मैं लाइट चली गई थी तो मेरे पास बिल्कुल मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे, तो मैं मसाला वगैरह दिखा नहीं सकी। आज मेरा प्लान था कुकिंग करने का, आपको पता है मैं मुस्तकिल चीज़ें कर रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ, आजकल बिज़ी चल रहा है, थोड़े ऑर्डर ज़्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा सा कुकिंग कम हुई है इस दफ़ा। तो मैंने कहा आज कुकिंग ज़रूर डालूँगी अपनी वीडियो, तो ये कढ़ाई मैंने आपको दिखा दी है, बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है, ज़रूर ट्राई करें अपने मसालों से। और अदरक लहसुन भी मैंने चॉप करके, जो मेरा थोड़ा चॉपर है जो मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें मैं उसे बिल्कुल पानी नहीं डालती, उसको चॉप सा कर लेती हूँ और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। घर के मसालों से तैयार करें तो आप, मैं अब कोई भी मसाला बाहर का नहीं लाती हूँ, मैं अपने मसालों से सब यूज़ करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें। जो भी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई बात पूछनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेंडर हो चुकी है बिल्कुल, कोयला कढ़ाई ठीक है, गल चुका है चिकन, बस अब मैं से कोयला हो जाए मेरा तो मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगी, बिल्कुल तैयार है। और ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। ये देखें बिल्कुल तैयार है, मैंने हरा धनिया ऊपर डाल दिया था, अब मैं स्मोक कोयले का देके इसको बंद कर दूँ। कोयला रख दिया इसके अंदर, ठीक है, मेरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी, ठीक है, और मैंने इसको बस ये अब मैं रखूँगी थोड़ी देर, जब तक ये कोयला बिल्कुल वो स्मोक ख़त्म नहीं हो जाती। ये आपकी कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखें ये मेरी स्मोक कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। चिकन कढ़ाई मैंने बनाई है, स्मोक का इसमें फ्लेवर डालने के लिए मैंने बता दिया था, कोयले का मैंने वो करके दा उस पे ना आपने तेल डाल देना है और ढक देना है। बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार होती है, अपने मसालों से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो जो डब्बे के मसाले होते हैं प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने फ्रेश मसाले अपने खुद पीसें। तो मैं जो मैंने बता दिया कि सारे मसाले भी बता दिए, एक दफ़ा मैंने उसमें बता दिया था, मेरा मसाला जो इसमें मैंने अलग से पीसे थे वो काली मिर्च थी और साबुत धनिया, लाल मिर्च, और मैं सफ़ेद ज़ीरा ले लेती हूँ 1-1 टेबल स्पून, और वो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ज़रा मोटा मोटा, वो मैं डालती हूँ, और लाल मिर्च पाउडर सिर्फ 1 टी स्पून मैंने डाला है, ठीक है, पिसा लाल मिर्च पाउडर। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया हरा धनिया से और अदरक से। तो ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।